नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक्टर सनी देओल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी 23 अप्रैल को। 29 अप्रैल यानी आज का दिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर भरा, जिसके अंदर अपने से जुड़ी और अपनी फैमिली से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारियां देनी पड़ती हैं। और ऐसे में हमें बहुत सारी जानकारियां पता चली हैं एक्टर सनी देओल के बारे में, जो अभी तक शायद नहीं पता थी। हमें तो नहीं पता थी, हो सकता है आपको भी ना पता हो। अच्छा, जैसे कि मतलब एजुकेशन से लेकर उनकी संपत्ति तक सारी बात कि उनके पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी है, सब कुछ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने किस नाम से ये नॉमिनेशन पेपर भरा है। अजय सिंह धर्मेंद्र देओल के नाम से। उनकी जो एजुकेशन है, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, पर हम आपको बता देते हैं कि 1977-78 में उन्होंने बर्मिंगम से एक्टिंग का डिप्लोमा किया था। उसके बाद उन्होंने शायद फिल्मों में ट्राई किया होगा। उसके बाद चलते हैं अब संपत्ति में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्ट्रेस हेमा मालिनी से अगर उनको कंपेयर किया जाए तो उनके पास उनकी आधी प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा पास आ जाइए ताकि हम आपको आंकड़े भी बता दें। एफिडेविट में जो सनी देओल ने भरा है, वो आंकड़ों को अगर हम देखें तो उनकी पत्नी के पास कुल संपत्ति है 87 करोड़ रुपए। इनमें से उन पर 53 करोड़ रुपए का कर्ज है। उनके पास 60 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और 21 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। 9 लाख रुपए बैंक अकाउंट में है और 26 लाख रुपए कैश है। उनकी पत्नी पूजा के पास 6 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और बैंक अकाउंट में उनके 19 लाख रुपए हैं और 16 लाख रुपए कैश है। पूजा के पास किसी तरह की कोई अचल संपत्ति नहीं है। तो सनी देओल के जो कर्ज का चक्कर है, वो आपको पहले हम बता देते हैं। सनी और पूजा देओल पर 51 करोड़ रुपए का बैंक लोन बकाया है, 2.5 करोड़ रुपए का सरकारी कर्ज है और सनी देओल का 7 करोड़ रुपए का GST भरना भी बाकी है। अब आपको हेमा मालिनी पर लेकर आते हैं कि वो कैसे उनसे ज्यादा संपत्ति वाली है। तो हेमा जी का क्या सीन है, 2014 में आपको ले चलते हैं, जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर भरा था उसमें उन्होंने लिखा था कि 177 करोड़ रुपए उनके पास संपत्ति है। पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति बढ़ी है 72 करोड़। और इस बार जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर भरा है, उसमें हेमा और धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी की कीमत 249 करोड़ रुपए है। इसमें धर्मेंद्र जी की कुल संपत्ति है 135 करोड़ रुपए और हेमा जी की है 114 करोड़ रुपए। अब सनी देओल को बीजेपी ने उस सीट से टिकट दिया है, अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया, आपकी पॉलिटिक्स की नॉलेज दुरुस्त है, जिससे पहले विनोद खन्ना लड़ते थे गुरदासपुर। और विनोद खन्ना 4 बार चुनाव जीत चुके हैं यहाँ से। 27 अप्रैल 2017 को उनके कार्यकाल के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद अप्रैल 2017 में विनोद खन्ना के निधन के बाद बाय इलेक्शन हुए। इसमें कांग्रेस के सुनील कुमार झाखड़ जीते। इस बार भी गुरदासपुर के कांग्रेस उम्मीदवार सुनील ही हैं और उनके सामने सनी देओल है। सनी देओल के नॉमिनेशन फाइल करते ही उनके पापा का सपोर्ट आ गया उनके पास। तुरंत उन्होंने एक फोटो शेयर की अपनी और लिखा, थोड़ा सा पास आकर ये लोगों को पढ़वा दें, हम आपका सहयोग मांगते हैं, हमारा साथ दो, जीत ये आपकी ही होगी, मेरे पंजाब के भाई बहनों की ही होगी, भारत माँ के एक खूबसूरत अंग गुरदासपुर की होगी। वैसे धर्मेंद्र जी की बात बताएं आपको तो 2004 में वो बीकानेर से चुनाव लड़ चुके हैं। हेमा जी का तो आपको पता ही है, वो मथुरा की सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं और अभी भी लड़ रही हैं। और 19 मई को आखिरी फेज में पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग होगी और 23 मई को वोटों की गिनती होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि देओल परिवार में कौन कौन जीता है। बाकी ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो इसे लाइक शेयर करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए पहले और फिर लाइक शेयर करिए। कमेंट्स अपने लिखकर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आते रहिए लल्लन टॉप पर। बाकी अगर आप ऐप को हमारी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, प्ले स्टोर में जाइए, एंड्रॉयड यूजर्स हमारी ऐप दी लल्लन टॉप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। शुक्रिया।